हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम कुछ फॉल्ट देखेंगे बूफर में जो आते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसे ऑडियो दे रहा हूं, मैं बनाया था मिनी डीजे बॉक्स। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 4 इंच का बूफर है। ये रुक रुक के मतलब कि बज रहा है, फिर अपने आप रुक जा रहा है, फिर अपने आप बजने लग रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि इसका कॉयल जो होता है, ये इसका पेंट जो होता है कॉपर का, वो छूट जाने के कारण या बॉडी से टच होने के कारण ऐसा फॉल्ट होता है। या तो यहाँ पे सील्ड वायर है, कमज़ोर होता है सोल्डिंग, तो ऐसा फॉल्ट आता है। ठीक है, हमारा दूसरा फॉल्ट ये है कि हमारा आईसी बार बार उड़ रहा है। ठीक है, स्पीकर हम लगा रहे हैं, आईसी हमारा बार बार उड़ जा रहा है। तो उसका एक ही फॉल्ट है, आपका कॉइल जो है ये शॉर्ट हो गया है, या तो ये आपस में शॉर्ट हो गई है। और हमारा तीसरा फॉल्ट ये है कि हमारा जो ये है, देखिए ये 2 बार जब हम लगा रहे हैं, ठीक है, तब भी ये प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कॉइल भी ठीक है और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी भी बता रहा है। ठीक है, तो उसका ज़्यादातर फॉल्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर एक छोटा सा सोल्डिंग होता है, ये छूट जाने के कारण ऐसा फॉल्ट होता है। और हमारा एक फॉल्ट और है, वो मैं गाना प्ले करके आपको दिखाऊंगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ऑडियो इस पर इनपुट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमारा यहाँ स्पीकर पे जो वायर लगा हुआ है, सील्ड वायर, यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है ऑडियो देने से। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा अगर आ रहा है फॉल्ट स्पार्किंग का, तो आप इस सील्ड वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर दीजिए, नहीं तो आप सील्ड वायर को चेंज कर दीजिए। ठीक है, आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। और एक फॉल्ट और आता है कि अगर हमारा यहाँ होल हो गया है, ठीक है, तो होल में आप एक छोटा सा पेपर लगा के फेविकॉल साथ दीजिए, आप काम चल जाएगा। और है कि मुझे कमेंट आया था कि सर इसका जो ये होता है रबड़ का, ये अगर बीच से कट गया तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कट गया है तो दोनों को साथ में रख के वहाँ पे फेविकॉल या फेविबॉन्ड लगा देना है, आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। और एक फॉल्ट हमारा और है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप बेस बजा रहे हैं, तो अगर आपका ये गर्म हो रहा है पीछे का मैग्नेट, ठीक है, हल्का फुल्का गर्म चलता है, वो होगा ही होगा, लेकिन अगर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, तो आपको समझना है कि स्पीकर के वाटेज से ज़्यादा आप एम्पलीफायर क्या दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये 20 वाट का स्पीकर है, तो आप ऑडियो इसको 30 या 40 वाट का दे रहे हैं, तो ये गर्म होकर जल जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि एम्पलीफायर भी 20 वाट का, स्पीकर भी 20 वाट का, लेकिन कॉइल लगड़ाने के चलते बॉडी से वहाँ पे गर्मी पैदा होती है और आपका एम्पलीफायर भी उड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने सोचा ये मैं वूफर रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।